अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, होप यू आर वेल। आज का हमारा टॉपिक है सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और फाइंड करने का मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। दिस इज़ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो। इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने का स्टेप वन है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है 7, वो हमारे पास 1 हो। कोई भी एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट हो वो हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास मौजूद गिवन क्वेश्चन है। यहाँ पे हम अपने एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट 7 को 1 बनाना चाहते हैं। 1 बनाने के लिए हम दोनों साइड से 7 को डिवाइड करेंगे, तो देन वी आर लेफ्ट विद 1। डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7x² / 7 प्लस 2x / 7 माइनस 1/7 0/7। अब हमारे पास 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जस्ट एक्स स्क्वायर और उसका सिंपल कोफिशेंट 1 रह जाएगा। प्लस 2x / 7 माइनस 1/7 इक्वल 0। माइनस 1/7 इक्वल 0। स्टेप टू, जो हमारे पास कांस्टेंट की टर्म है उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं होता। एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 इक्वल 0 प्लस 1/7। जब हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे, तो इस साइड पे ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 इक्वल 1/7। तो स्टेप 3 है, हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम अपनी लेफ्ट साइड पे ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, देन उसको इस फॉर्म में हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट करने से पहले हमारे पास ये जो सारी जो टर्म्स है वो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास a की जगह एक्स स्क्वायर मौजूद है प्लस 2, a मीन्स एक्स और b मीन्स 1/7, ठीक है। प्लस b की जो टर्म है 1/7 का स्क्वायर, वो हमारे पास यहाँ पे टर्म मिसिंग है। एक्स स्क्वायर भी मौजूद है, 2x / 7 ये टर्म भी मौजूद है, जस्ट हमारे पास b यानी कि प्लस 1/7 का स्क्वायर जो है वो मिसिंग है। तो इस टर्म को हम करेंगे दोनों साइड पे ऐड, फिर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लेफ्ट साइड पे कंप्लीट हो जाएगा, देन हम उसको अपने इस फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पास ऐड 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम 1/7 का स्क्वायर ऐड करेंगे। स्टेप है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 इक्वल 1/7, ऐड 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 प्लस 1/7 स्क्वायर इक्वल 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर। दोनों साइड पे हमने 1/7 का स्क्वायर ऐड किया है। इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 प्लस 1/7 स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास 1/7 स्क्वायर मीन्स 1/49। 7 के स्क्वायर से मुराद है कि 7 इटसेल्फ खुद से दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज 49। अब ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला कंप्लीट होगा, एक्स प्लस 1/7 स्क्वायर इक्वल, इसका हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 49 एलसीएम आ जाएगा, और दिस इज 7 प्लस 1। तो एक्स प्लस 1/7 स्क्वायर इक्वल 8/49। अब हमारे पास इस साइड पे स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्टेप 4 हम करेंगे कि दोनों साइड पे हम अंडर रूट ले लेंगे। स्टेप 4 है हमारे पास टेकिंग स्क्वायर रूट एट बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक्स प्लस 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल 8/49 स्क्वायर रूट। स्क्वायर जो है वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी आर लेफ्ट विथ एक्स प्लस 1/7, और इस साइड पे आ जाएगा
टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय सेवन। लेफ्ट साइड पे वन बाय सेवन प्लस हो रहा है, लास्ट स्टेप है कि ये वन बाय सेवन वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, हमारे पास जस्ट एक्स रह जाएगा जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं। टू अंडर रूट टू डिवाइड बाय सेवन माइनस वन बाय सेवन, एलसीएम हमारे पास सेवन है और ऊपर हमारे पास दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे। लास्ट हमारे पास स्टेप के जो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड किया उसको हम लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाय सेवन, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्स की वो वैल्यू है जिसको हम फाइंड करना चाह रहे थे। हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से और लास्ट पे एट द एंड हमने अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, तो दिस इज़ द आवर आंसर। जज़ाकअल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।